खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 2031 कुंभ तक प्रयागराज में तैयार होंगे 4 6-लेन पुल। 6 साल के अंदर शहर में कुल पुलों की संख्या हो जाएगी 8। 3 पुलों पर चल रहा है कार्य। प्रयागराज में 2025 महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। खास तौर पर गंगा नदी पर पुलों की संख्या को बढ़ाने की तैयारी चल रही है, जिससे लोगों को आवागमन में आसानी हो सके और 2031 में लगने वाले कुंभ तक गंगा नदी पर पुलों की संख्या बढ़ाई जा सके। वर्तमान में बन रहे 3 पुलों को 6 लेन बनाया जा रहा है। इसमें फाफा मऊ में गंगा नदी पर बना रहा पुल और अंदावा को नैनी से जोड़ने के लिए अरेल पर बन रहा पुल के साथ ही श्रृंगवीरपुर में बन रहा पुल शामिल है। इन तीनों का कार्य पूरा होने के साथ ही राज्य सेतु निगम और PWD की तरफ से कौड़ीहार के कुरेसर में नए पुल के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। 6 लेन पुलों से आसान होगा आवागमन। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रतिदिन यहां पहुंचते हैं, जबकि माघ महीने और कुंभ में यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को भारी जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से प्रयागराज पहुंचने के लिए गंगा नदी पर 6 लेन पुलों की संख्या बढ़ाने का कार्य चल रहा है। प्रयागराज में विशेष रूप से गंगा नदी पर बन रहे पुलों को 6 लेन का तैयार कराया जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में पुलों पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में बन रहे पुलों को भी 6 लेन तैयार कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जल्द ही कौड़ीहार के कुरेसर में भी एक नए पुल का निर्माण प्रस्तावित है। यह भी 6 लेन पुल रहेगा। अभी तक गंगा नदी पर शास्त्री पुल, फाफा मऊ पुल और यमुना नदी पर पुराना पुल, नया यमुना पुल मौजूद है, लेकिन 2031 तक प्रयागराज में कुल पुलों की संख्या बढ़कर 8 हो जाएगी। नए पुलों का कार्य पूरा होने पर लखनऊ और वाराणसी की तरफ से आने वाले लोगों को राहत मिलेगी। महाकुंभ में इस बार प्रशासन की तरफ से लगाए जा रहे अनुमान के मुताबिक करीब 40 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में पहुंचेंगे। इसको देखते हुए शहर के साथ ही मेला क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रयास अभी से किए जा रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसको देखते हुए परेड ग्राउंड और एयरपोर्ट से लेकर IIIT चौराहा तक बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया जा चुका है। विभाग की तरफ से महाकुंभ को देखते हुए करीब 450 करोड़ का कार्य किया जा रहा है। इसमें मेला क्षेत्र से लेकर शहर के अंदर तक स्थायी और अस्थायी कार्य शामिल किए गए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।